यहाँ पे देखो अब क्या, हमने पेज लिया ऊपर का, तो ये निकल रहा हूँ मैं बाहर, ये निकला और भाई ये तो मक्खन की तरह कट गया, पतंग देखो उसकी मक्खन की तरह कट के गई है अभी। यहाँ पे फिर से मेरा पेज ऊपर का है, देखो हमारा पूरा नीचे से है, ये पूरा डबल का बन गया था पेज यहाँ पे, और पतंग मैंने काट दी है, मैंने पूरी पतंग खींच दी और पतंग मैंने बिल्कुल भी रोकी नहीं, तो पतंग यहाँ पे काट दी हमने। अब दिमाग ख़राब हो गया, अब देखो मैं इसके ऊपर भर्रा छोड़ने वाला हूँ, ये छोड़ा मैंने भर्रा और ये इसने खींची, इसी के साथ साथ उठाई मैंने और देखो क्या पेज काटा यार। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो भाई आजकल आप लोग की तरफ भी मौसम ऐसी होगा, शाम को पूरे बादल हो जा रहे हैं, बारिश हो जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए देखो अभी मौसम खुला है, तो यहाँ पे हम देखो ये पिंक कलर की पट्टेदार पतंग पार कर रहे हैं, अद्धी पतंग है, टेपिंग मैंने कर ली है, पतंग चेक भी कर ली, तो अभी इस पतंग को करते हैं इस ब्लैक वाले मांझे से पार और फिर आपको पेड़ ला के दिखाते हैं। सामने पतंगबाजी हो रही है क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है, तो पतंगबाजी बहुत बढ़िया हो रही है, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखो अगर आप फोकस हो रहा होगा मेरा कैमरा सामने, तो आपको पतंगें दिख रही होंगी छोटी छोटी, तो अभी अपनी पतंग को, ये पटेदार पतंग को वहीं पर ही ले जाते हैं और फिर आपको पेज लड़ा के दिखाते हैं। शायद थोड़े लंबे रेंज के पेज आज लड़ें क्योंकि पुरवाई हवा में जो पतंगबाज है ना वो उनके घर सारे दूर हैं मुझसे, मेरे घर से, तो शायद थोड़ी लंबे रेंज के पेज लड़ें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एकदम क्लियर पेज मैं दिखा सकूँ, तो आप यार 180p पे वीडियो देखना, एकदम क्लियर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो पतंग पार कर रहा हूँ मैं और मेरी यार पतंगें भी ख़त्म हो गई हैं सारी, ये पौनी और मंजोली, तो अभी जल्दी से हम मंजोली पतंग और लेकर आएंगे, तो शायद काइट शॉप की वीडियो दिखा दें। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई किस किस को काइट शॉप की वीडियो चाहिए, और देखो जिस काइट शॉप से मैं अपनी मंजोली पतंगें लेकर आऊँगा, क्योंकि मंजोली पतंग मुझे बेस्ट लगती है 50 मीटर तक या 100 मीटर तक, तो जिस भी शॉप से मैं मंजोली पतंग लेकर आऊँगा तो आपके लिए उस शॉप की वीडियो भी बना दूँगा, तो वेट करना भाई काइट शॉप की वीडियो को, अभी जल्दी आने वाली है। यहाँ पे देखो पतंग मैंने पार कर ली है और पतंग हमारी काफ़ी लंबी है, तो झोल काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मेरी पतंग में, तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, उसकी पतंग पूरी राउंड है देखो, तो मैं बार बार भर्रा छोड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे डोरे से ही कट जाए, क्योंकि राउंड पतंग में ना पेज उड़ाने में थोड़ा डर लगता है, वो कहीं की भी भाग सकती है। ये बनाई डबल का पेज बना था भाई, और मैंने बिल्कुल भी अपनी खींच नहीं रोकी और उसकी पतंग पूरी राउंड थी और उसकी पतंग कट के चले गई, तो पहली पतंग काट दी है। यहाँ पे देखो एक और पेज आ गया है रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं नीचे से लड़ाऊँगा जहाँ तक है, और एक ब्लू सर्कल के अंदर आपको पतंग दिख रही होगी, तो चलो इसी के पास चलते हैं। अब देखो मैं अपनी पतंग उसके पास ले जा रहा हूँ, वो कैसे भाग रहा है, चला चला भाई इसकी पतंग तो काट के रहूँगा मैं यार, गया 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 गया, अरे यार डोरी नहीं मिली थी, दोबारा देखो उसे लगा कि मैं अब दोबारा वार नहीं करूँगा, मैंने दोबारा पतंग उसकी तरफ करके देखो उसकी पतंग काट दी, तो यहाँ पर देखो दूसरा पेज भी हमने काट दिया है, तो ये देखो ये हो रही है भाई पतंगबाजी, कितनी सारी पतंगें उड़ रही हैं सितंबर में भी मेरी तरफ, इधर देखो आप इन लोग का शायद पेज लड़ा, ये पट्टेदार वाली का और ये चार खाना का, तो पतंगबाजी आप देख सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा पतंगबाजी यहाँ पे हो रही है, और इसमें कुछ लोग भाई लपेटने वाले भी हैं, ये नहीं कि सारे लड़ाने वाले हैं, कुछ लोगों ने लपेटने के लिए पतंग पार करी है और लड़ाने वाले भी हैं अच्छे खासे, तो हमारी पतंग भी उड़ रही है, तो इधर को तो मैं अपनी पतंग ले जा नहीं सकता क्योंकि हवा मेरे राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, तो इन लोग से तो मैं पेज नहीं लड़ा पाऊँगा, तो जो पतंगें मेरी राइट हैंड साइड की तरफ उड़ रही हैं उनसे पेज लड़ा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पेज आ गया, देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही वो नीचे से आएगा, पेज ये वाला भी काफ़ी लंबा लड़ रहा है, देखो आपको छोटी छोटी पतंगें दिख रही होंगी, तो देखो ये मैं उसके हाथ की तरफ बढ़ता हुआ, ये वो मेरे हाथ की तरफ चला, मैंने पतंग पहले बाहर को निकाली, उसने क्या करा ना एकदम पतंग मेरे हाथ की तरफ रगड़ दी अंदर की, और यहाँ पे मेरी पतंग अब कट गई है दो पतंग काटने के बाद, अब देखो दो पतंग काटने के बाद मेरी पतंग भी कट गई और पीछे से एक पतंग आ रही है, मुझे लगा यार इसमें डोर होगी, तो इसी पतंग को हम अभी पार कर देंगे, देखते हैं यार क्या होता है, डोर फिलहाल मुझे लग तो रही है कि इसमें है, कहाँ गई डोर, नहीं 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 डोर यार निकल गई इसकी लगता है, तो ये देखो इधर से ही पतंगें तंगे उड़ रही हैं, और एक पतंग जो अभी निकल के गई ना उसमें डोर थी लेकिन मुझे दिखी नहीं वो डोर, तो मेरे हाथ से निकल गई, तो चलो अपनी एक और पट्टेदार पतंग पार करते हैं पिंक वाली, अभी उसे तैयार करेंगे और फिर उस पतंग को पार करके पेज उड़ा के आप लोग को दिखाते हैं, तो चलिएगा वीडियो आप लोग एंड तक देखिए।
तो अभी देखो एक और हम अपनी पतंग पार कर रहे हैं, देखो पटेदार वाली पतंग हम पार करते हैं, और मंजा मैं देखो अब क्या दूसरा उड़ा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि अभी जो इस साल को एंड होने में जितने भी महीने बचे हैं ये, तो इसमें क्या कहीं पर भी पतंगबाजी होती है इस टाइम पे, मतलब इस सीजन में क्या कहीं पे कोई फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें पतंगबाजी होती हो? तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे यहाँ तक ध्यान है कि जनवरी में पतंगबाजी अब स्टार्ट होगी बाहर जितने भी ये पंजाब पंजाब की साइड है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इससे पहले पतंगबाजी कहीं पर होती है या नहीं होती है। तो ये वाला पेज भाई जो आप देखने वाले हो इस वाले वीडियो में, तो ये वाला पेज आप तभी लड़ाना जब आपके हाथों में थोड़ी ताकत हो अपनी पतंग का झोल टाइट करने की। तो यहाँ पे देखो रेड सर्कल कितना मेरी पतंग में, मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल कितना हमारे अपोनेंट की पतंग में नीचे से है। ये देखो मैंने भर्रा छोड़ा था, उठा ली। तो भर्रे वाला पेज में क्या होता था, पहले आपको भर्रा मार के अपनी डोर टाइट करनी होती है और उसके बाद पतंग खींचनी होती है, तो काफ़ी ताकत लगती है। देखो दोबारा भर्रा छोड़ा, जैसे ही हमारे अपोनेंट ने खींची मैंने पहले तो अपनी डोर टाइट करी, उसके बाद जब मेरी पतंग उठ के आई ऊपर उसी के साथ साथ तो हमने पेज वाला काट दिया। फिलहाल पेज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार मैं काट भी जाता हूँ इस वाले पेज में। तो सामने हमने अभी पतंग काटी थी, यहाँ का इलाका हो गया साफ, तो एक पतंग लंबी लड़ रही है। देखो रेड सर्कल कितना मेरी पतंग रही, ये अंदर की दिखाई थपथपाई कट गई मेरी पतंग यार। उसने पतंग अपनी चक्कर पर डाल दी थी और मैंने जल्दीबाजी में अंदर की पतंग दिखा दी, तो मेरी पतंग यहाँ पर कट गई है। तो देखो अब हवा की डायरेक्शन भी चेंज होने लगी है, अभी थोड़ी पुरवाई में हवा थी, अब देखो हवा इधर की भागने लगी है, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ हवा गिर रही है। तो देखो हमने एक और पतंग पार कर ली, रेड सर्कल कितना मेरी पतंग में, मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल कितना हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से लड़ा रहा है। तो चलो देखते हैं इस वाले पेज में क्या होता है। ये चला मैं पटकी डोर टाइट करी, ये देखो कितना मैंने टाइम लिया यहाँ पे, और पतंग भी देखो कैसे मक्खन की तरह उसकी कट गई। देखो पहले मैंने क्या करना, डोर टाइट करी, और अगर आप डोर टाइट करके पेज लड़ाओगे तो पेज का फैसला बहुत जल्दी होता है क्योंकि झोल उसमें नहीं उड़ता ज़्यादा, और यहाँ पे हमने पतंग काट दी। अब आप देख सकते हैं हवा जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, अभी पुरवाई चल रही थी लेकिन अब पूरा पछयाव आ गया, और हवा भी देखो जब हवा चेंज होती है ना तो हवा भी दम तोड़ देती है, इसीलिए देखो हवा कितनी हल्की पड़ गई है। तो यहाँ पे हमारी वही पतंग पार है, मैं पेज उड़ा रहा हूँ, तो देखो रेड सर्कल कितना मेरी पतंग रही, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल कितना हमारे अपोनेंट की पतंग रही, वो ऊपर से आ रखा है। लेकिन भाई मैं उसके ज़्यादा हाथों की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे सामने टावर है, आप लोग देख सकते हैं, तो एकदम मुझे मुंह के पास रख के इससे पेज उड़ाना पड़ेगा, मुझे उसका झोल नहीं मिल पाएगा, एकदम पतंग की डोर टाइट रहेगी उसकी भी मेरी भी, वो भी एकदम मेरे मुंह के पास ही लड़ाएगा और मैं भी एकदम उसके मुँह के पास लड़ाऊँगा पेज। तो देखो ये पतंग मैं उठा के दे रहा हूँ उसे, उसने मारी थी मैंने अंदर की खींची लेकिन पेज नहीं हो पाया, जब मैंने दोबारा बाहर की खींची तो उसने गद्दा मुझसे तेज मार दिया और यहाँ पे मेरी पतंग कट गई है। तो पतंग भी कट के जा चुकी है, तो वीडियो को हम ये वाली यहीं पर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।